मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह, पीएम आवास पहुंचकर की मुलाकात। उत्तराखंड में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सरकार ने बताया अब तक 16 की मौत। यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर सुखदेव राजभर का निधन, श्रद्धांजलि देने आवास पहुंचे सीएम योगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। देश में कोरोना के 3058 नए मामले आए सामने, पिछले 24 घंटे में 164 की मौत। सांसद पकौड़ी कोल के बिगड़े बोल, गालियों का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। राम मंदिर निर्माण समिति की पहले दिन की बैठक सर्किट हाउस में। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, कारदायी संस्था एनएनटी टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियरों की बैठक हुई। और साथ ही बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि रामलला के जन्म के समय रामलला के मुख पर सूर्य की किरणें पड़े। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिकों के सामने ये विषय रखा है कि प्रयास करो कि प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, सूर्य की किरण भगवान के मुख को प्रकाशित करे। एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट, और उसका दृश्य अयोध्या के सैकड़ों स्थानों पर डिस्प्ले किया जाए पब्लिकली मंदिरों में। अंतरिक्ष विज्ञानी ही ये काम। बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर के एक किराना व्यापारी ने नगर के दो अन्य व्यापारियों पर उसकी दुकान का फर्जी बेनामा कराने और उसे बेनामे के आधार पर अनिल दुजाना गैंग पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। आरोप है कि दुजाना गैंग के कुछ हथियारबंद बदमाश उनकी निर्माणाधीन दुकान पर पहुंचे और उससे फर्जी बेनामे के आधार पर 1 करोड़ की नगदी की मांग की। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि इस दौरान उन्हीं के साथ आए एक युवक ने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल करते हुए पीड़ित व्यापारी की जिस शख्स से बात कराई उसके द्वारा खुद को अनिल दुजाना बताते हुए दुकान पर पहुंचे लोगों की डिमांड पूरी करने की धमकी दी गई, जिसके बाद पीड़ित व्यापारी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तो बदमाश मौके से फरार हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने उस युवक को हिरासत में ले लिया है। आज अनिल दुजाना गैंग के 5-6 लोग मेरी नव निर्माण दुकान पर आए और 1 करोड़ रुपए की मुझसे रंगदारी मांगने लगे। ना देने पर दुकान पर तार डाल के जाने की धमकी देने लगे। उनके साथ ताला भी था मेरे। उसके बाद उन्होंने एक व्हाट्सएप कॉल कराई जिसमें दूसरा आदमी अपने आप को अनिल दुजाना बोल रहा था। बोले इनको 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था करा दो, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे, आपके बच्चों को जान से मार देंगे। हाँ, मैं अनिल दुजाना हूँ, बोल रहा हूँ, मेरे ही आदमी। अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक अब्बू तिवारी को 5 वर्ष की सजा हुई है। एडीजी पूजा सिंह की कोर्ट ने सजा सुनाई है। विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू के साथ साथ दो अन्य सहयोगी फूलचंद्र यादव और कृपा निधान तिवारी को भी सजा सुनाई गई है। बता दें कि मामला 30 साल पुराना है, जब साकेत महाविश्वविद्यालय में इंद्र प्रताप तिवारी ने एडमिशनल के लिए फर्जी मार्कशीट का सहारा लिया था। उसी दौरान वो साकेत डिग्री कॉलेज में महामंत्री का चुनाव भी जीते थे। मामला संज्ञान में आने पर तत्कालीन प्राचार्य
यदुवंश राम त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय से जांच कराई। मामला फर्जी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उसके बाद वो जमानत पर चल रहे थे। विधायक इंद्रप्रताप तिवारी के अधिवक्ता पवन तिवारी ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने विधायक सहित तीन लोगों को सजा सुनाई है। अब वो कोर्ट में अपील करेंगे। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के फूलपुर भलेसरा के पास लखनऊ की तरफ से आ रही अनियंत्रित कार की सड़क पार कर रहे भेड़ों से टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इससे 27 भेड़ों की कुचलने के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चरवाहा शेषधर पाल गंभीर रूप से घायल हो गया है। चरवाहे शेषधर पाल को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। इस दुर्घटना के दौरान कार पलट गई, जिसमें सवार तीन लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। घटना की जानकारी पर स्थानीय पुलिस SDM मौके पर पहुंच गई है। इस हादसे को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश था। हालांकि SDM ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर उन्हें घर भेज दिया। जनपद प्रतापगढ़ लालगंज कोतवाली में हुई घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि लालगंज कोतवाली के बाबूतारा गांव में शनिवार की आधी रात दबिश देने गई पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें बदमाश तौफीक गंभीर रूप से घायल हो गया था। रास्ते में तौफीक की मौत भी हो गई थी। वहीं तौफीक का शव आज घर पर पहुंचा। शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मिर्जापुर के हलिया विकास खंड के बबुरा रघुनाथ सिंह गांव में हिम्मत कोल की तीसरी पुण्यतिथि पर पहुंचे सोनभद्र के सांसद पकौड़ी लाल कोल की कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जुबान फिसल गई और वो वायरल हो गए। हालांकि हिम्मत कोल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पकौड़ी लाल कोल ने आदिवासी और कोल समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अपने प्राण न्योछावर करने की बात भी कही है। अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए अपना दल इसके सांसद पकौड़ी लाल कोल की जुबान फिसल गई, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण ठाकुर को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद जमकर बवाल हो गया। ये शंकर जी की मूर्ति ये उठाई है, हमारा धन नाश, हमारा पुत्र नाश, हमारा पितृ नाश, मालिक जवन जीत आई जिता जिन्होंने अब लड़का वो आपको लाने बधाई में देता था पुराने ऐसे ऐसे हमारा समाज हो गया। यही से जा रहा है, कब हम करोगे, क्यों नहीं होगा, प्रधान बताओ, प्रमुख हुआ हमारे बता दे, मैं लड़ने का नजीर देता हूँ। ये शंकर जी की मूर्ति का यह उठाई है, अगर हमारा धन नाश, हमारा पुत्र नाश, हमारे पितृ नाथ, मालिक जवन करब हमें जीता है। अब कहा जीता जिन्होंने अब कहा लड़का वो आपको लाने बधाई में देता था पुराने ऐसे ऐसे हमारा समाज हो गया। यही से जा रहा है, कब हम करोगे, क्यों नहीं होगा, प्रधान बताओ, प्रमुख हुआ हमारे बता दे, मैं लड़ने का। रायबरेली से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक किशोरी के साथ उसी के चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उधर दुष्कर्म के बाद से ही आरोपी चचेरा भाई फरार बताया जा रहा है। मामला ऊंचाहार थाना इलाके के मिर्जापुर एहारी गांव का है, जहां के रहने वाले किसान के मुताबिक उसका परिवार घर में सोया हुआ था। उसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर उनका चचेरा भाई घर में घुस गया। पास में ही सोई उनकी पुत्री के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। किसी तरह आरोपी की गिरफ्त से छूटकर पुत्री ने शोर मचाया। जब तक परिजन इकट्ठा होकर मामले को समझते, तब तक आरोपी फरार हो गया। वहीं किसान की तहरीर पर पुलिस ने उसके चचेरे भाई के खिलाफ 376 की धारा में मुकदमा दर्ज करा लिया है। साथ ही किशोरी का मेडिकल कराने के बाद युवती को परिजन के हवाले कर दिया गया है। उधर घटना के बाद से फरार आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को
वादी मुकदमा ने थाना उचहार पर आकर एक तहरीर दिया कि उनकी पुत्री जो बालिग है के साथ उनके ही चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया है। तहरीर के आधार पर थाना उचहार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त के गिरफ्तारी के प्रयास व अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह और क्षेत्राधिकारी स्वार धर्म सिंह मार्शल के निर्देशन में थाना स्वार पुलिस ने सूचना के आधार पर जाल फनलगा रोड पर दिलशाद के खेत के पास बनी कोठरी में एक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोठरी से 3 चोरियों से संबंधित सामान भी बरामद किया है। गिरफ्तार चोर यूनुस पुत्र मोहम्मद शमी मस्जिद मोहल्ला चक्का रहने वाला है। वहीं पुलिस द्वारा चोर से पूछताछ करने पर पता चला है कि सामने कुछ समय पहले कस्बा स्वार में राजकीय इंटर कॉलेज और ग्राम नखीपाई थाना स्वार में डिग्री कॉलेज से मिलकर चोरी की गई थी। कुछ सामान के साथ चोर के 3 साथी फिरोज इरफान आजम को स्वार पुलिस ने पकड़ लिया था। वहीं स्वार पुलिस ने इस संबंध में धारा 509, 21, 457, 380, 411 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है। संभल में सोमवार को नगर सुधार कमेटी के तत्वाधान में एक शोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कश्मीर में हो रहे मजदूरों के साथ बर्बरता के साथ कत्लेआम की निंदा करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान अपने संबोधन में मुशीर खान तरीन और डॉक्टर नाजिम ने देश के अनेक राज्यों से गए बिहारी मजदूरों के साथ हो रहे जुल्म ज्यादती की कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं मौजम खान ने कहा कि देश के वीरों की ये शहादत रंग लाएगी और दुश्मनों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इसके साथ ही सभी वक्ताओं ने आगामी 24 अक्टूबर को हो रहे विश्व कप T20 के पाकिस्तान के साथ हो रहे मैच को रद्द करने की मांग भी की है। इस अवसर पर कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों को श्रद्धांजलि दी। मानसून की विदाई के सप्ताह भर बाद अचानक तेज आंधी और बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में कहर बरपाया है। उत्तर प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से पिछले 24 घंटे में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं मूसलाधार बरसात से किसान की फसल भी बर्बाद हो रही है, साथ ही डेंगू के केस भी बढ़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में डेंगू से 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। बारिश लोगों के लिए परेशानियां बनकर आ रही है। बेमौसम बारिश बर्बादी लेकर आई है, किसानों की मेहनत पर पानी पड़ गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कानपुर, लखीमपुर, लखनऊ, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बारिश को कहर देखने को मिल रहा है। कानपुर में देख सकते हैं आप किस तरह से भीषण बारिश हो रही है। लखीमपुर में भी पानी अच्छे खासा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लखनऊ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, सड़कों पर जल जमाव है। औरैया में खेत जलमग्न है, बिजनौर में भी खेत और सड़कों का बुरा हाल है। मुरादाबाद की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जल जमाव हुआ है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। तो बारिश का मंजर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया था और अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे पता चल रहा है कि कितनी भीषण बारिश हो रही है और हर तरफ पानी ही पानी है। तो बारिश की वजह से लोगों की तकलीफें बढ़ रही हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें गड्ढों के कारण उसमें भी पानी भर गया है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पे ट्रैफिक सुस्त नजर आ रहा है, तो कहीं पे हादसों की संभावना बनी हुई है, क्योंकि गड्ढों की वजह से काफी पानी भर गया है सड़कों में, खेतों में पानी भर गया है, फसलें खराब हो रही है, सब्जियां खराब हो रही है, जिससे आने वाले समय में फसलों और सब्जियों के दाम भी महंगे होने की पूरे अनुमान है, आशंका लगाई जा रही है। और दूसरी चीज, स्वास्थ्य सेवाएं भी काफी प्रभावित हो रही है, क्योंकि डेंगू का खतरा बढ़ रहा है और हर तरफ जिस तरह से पानी भरा हुआ है, जलमग्न होता उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। स्वास्थ्य महकमा भी इससे काफी परेशान है, क्योंकि डेंगू के मामले और बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। वहीं बिजली
कि सप्लाई भी बाधित हो रही है। बारिश की वजह से कई जगह पे बिजली संकट देखने को मिल रहा है, पेड़ टूट के गिर रहे हैं, बुखार का कहर देखने को मिल रहा है, मौसम बदल रहा है, कई मौतें हो रही हैं, तो बारिश का कहर देखने को मिल रहा है जिससे काफी नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।